जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली शाहीन अख्तर, जो कि खुद तो आत्मनिर्भर बनकर अपना घर संभाल रही है, साथ ही इलाके की दूसरी लड़कियों को भी इसके लिए इंस्पायर कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक छोटा सा गांव है पालमा, जहां की रहने वाली शाहीन अख्तर पूरे जिले के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। 30 साल की शाहीन यूं तो साधारण सी दिखती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत और उनका जज्बा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। शादी के 6 साल बाद शाहीन अपने पति से अलग हो गई थी और अपनी दो बेटियों के साथ अपने माता पिता के घर आकर रहने लगी। उन पर दो बेटियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने घर से ही सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम शुरू किया। शाहीन के हाथों में वो जादू है जो मामूली से कपड़े को भी मास्टरपीस बना देती है। शाहीन की इसी खूबी के चलते उनका कारोबार चल पड़ा। अपने इस बिजनेस से वो अपने दो बेटियों और अपने माता पिता का ध्यान रखती हैं। इतना ही नहीं, वो जिले की दूसरी लड़कियों को भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए इंस्पायर करती हैं। करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ। रात को 2:30 बजे तक मैं काम करती हूँ, 2 घंटे ही सोती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर करती हूँ, क्योंकि मुझे करना है। मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बलबूते पे खड़ी हो जाएं और किसी के कंधे पे ना रहें कि कोई हमें देगा। कोई पता नहीं होता ज़िंदगी में कब कैसे कहाँ हादसा हो जाए, इसलिए सभी लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि वो लड़कियाँ अपने बलबूते पे खड़े, पढ़े लिखें, पढ़ाई भी अपनी जगह है, लेकिन उनको ये काम भी आना चाहिए ताकि घर बैठे बिठाए वो अपना रोज़गार कमा सकें। शाहीन अपने हाथों से सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाती हैं, जिसमें कपड़ों की सिलाई से लेकर तकिए और दूसरे सजावट के सामान शामिल हैं, जो कि लोगों को खूब पसंद आते हैं। इसीलिए उनके बनाए हुए सामान की हमेशा डिमांड बनी रहती है। आसपास के इलाकों की महिलाएं और लड़कियां भी शाहीन के काम से प्रभावित होकर उनसे काम सीखने आती हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल मानती हैं। एक ऐसा इलाका जहां महिलाओं का काम करना सही नहीं माना जाता, वहां शाहीन अपने काम से लोगों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं और उनसे इंस्पायर होकर दूसरी लड़कियां भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने की राह पर निकल पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो बिल्कुल एक रोल मॉडल की तरह ये सामने आई है और लड़कियों से भी इन्होंने कहा है कि सेल्फ डिपेंडेंट रहना आजकल बेहद जरूरी है।